भले ही बेंगलुरु और मुंबई के बीच मैच में मुंबई की शानदार जीत रही हो, लेकिन मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बयान से हर किसी का दिल जीत लिया। भले ही हारे विराट हो, लेकिन दुखी रोहित शर्मा दिख रहे हैं और इसे ही कहते हैं खेल भावना। आईपीएल 2019 का सातवां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच। मुंबई ने बनाए 20 ओवर में 187 रन। 188 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी बेंगलुरु की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। डिविलियर्स ने 70 और कोहली ने 46 रनों की पारी खेली। अब आ जाते हैं सीधा आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में 17 रन जीतने के लिए चाहिए थे। गेंदबाजी थी मलिंगा के हाथों में और क्रीज पर थे शिवम दुबे। डिविलियर्स और शुभम दुबे ने 5 गेंदों में 10 रन बना लिए और आखिरी गेंद पर बेंगलोर को जीतने के लिए 7 रन की दरकार थी। मलिंगा ने गेंद फेंकी, जिसके बाद शिवम दुबे ने सिंगल लिया और मैच समाप्त हो गया। लेकिन जब सभी खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए, तो स्क्रीन पर साफ तौर पर देखा जा सकता था कि गेंद तो नो बॉल थी, लेकिन अंपायर ने गेंद को नो बॉल नहीं दी, वरना बेंगलोर इस मैच को जीत सकती थी। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा, जरा वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि जब किसी ने मुझे आकर बताया कि आखिरी बॉल नो थी, तो मुझे काफी गुस्सा आ गया। इस तरह की गलतियां क्रिकेट को बदल कर रख देती हैं। ये मैदान में अच्छा नहीं होता। अंपायर को अच्छे से देखकर फैसला लेना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बेंगलोर इस वजह से हार गई। हमारी जीत जरूर हुई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं कि हम इस तरीके से जीते हैं। आखिरी बॉल होनी चाहिए थी और हम अपने दम पर मैच को जीतना चाहते थे। आपको बता दें, इस मैच को लेकर विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा था कि ये कोई क्लब क्रिकेट नहीं है, जहां पर अंपायर इस तरह की लापरवाही बरतते हैं। अंपायर को अपना काम अच्छी तरीके से करना चाहिए। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।